दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड दिस इज सर सीबर रहमान। कल के सेशन में हम लोग बात कर रहे थे फ्रेज के ऊपर, क्लॉज के ऊपर और सेंटेंस के ऊपर। अगर मैं आपके जहन में उन चीजों को दोबारा लेकर आऊं तो देखें, इन द क्लास क्या आ गया ये आपके सामने, इन द क्लास When she came, ये क्या आ गया, When she came, in the class, when she came, I will inform you, और ये क्या आ गया? क्या इन तीनों में आपको अब differences समझ आना शुरू हो गए कि सर एक phrase है ये, एक क्लॉज है और एक ये सर सेंटेंस। ये कल के सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी। क्या यहां तक सब बच्चों को बात समझ आ गई थी? आगे चले, यस सर। चल। अच्छा, इन द क्लास के अंदर हमने एक वैरायटी और भी देखी थी, अगर आपको याद हो, एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। ये भी क्या है, ये भी फ्रेज है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी हमने एक वैरायटी देखी, बहुत सारी वैरायटीज थी वैसे तो, जैसे व्हेन शी केम, इफ यू वर्क हार्ड, ये भी क्या है, इफ यू वर्क हार्ड, When she comes या when she came, सर ये दोनों ही डिपेंडेंट क्लॉज है। और फिर आई विल इन्फॉर्म यू, ये अफर्मेटिव है। अगर मैं नेगेटिव भी लिख दू तो भी हम इसको आई विल नॉट इन्फॉर्म यू, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, ये भी आप क्या कहेंगे, सर ये भी एक सेंटेंस है, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। कल वाली बातें हो रही है, ठीक है। आज की जो बातें हैं वो है वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस। तो आज हम फ्रेज और क्लॉज पे बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, क्लॉज आ जाएगा जब हम वैरायटी ऑफ सेंटेंस पर जाएंगे, तो खुद ब खुद आ जाएगा वो। सबसे पहले हमारी जिंदगी में आता है एक सेंटेंस जिसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कह देते हैं। आइए हम सिंपल सेंटेंस देखते भी हैं, लिखते भी है। शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। तमाम स्टूडेंट्स को ये सेंटेंस भी समझ आता है, हाँ सर इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस। शी कॉल्स मी ऑन संडे, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। इस सिंपल सेंटेंस को हमने कल एक नाम दिया था, अगर आपको याद हो वो नाम क्या था। अफर्मेटिव, एक और नाम इंडिपेंडेंट क्लॉज, मैंने कल कहा था जो इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी हम सेंटेंस का दर्जा दे सकते हैं। कल की बात है ना, इसको ऐसा कह दिया था। अच्छा, अब मेरे पास दो सिंपल सेंटेंस आ गए। मैं सवाल किया करूं, आप जवाब दिया करें और उसके बाद माइक बंद कर दिया करें, तो आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल क्लास वाला माहौल मिलेगा, जैसे हम लोग अपने ट्रेडिशनल क्लासरूम में होते हैं। शी राइट्स अ लेटर, शी कॉल्स मी ऑन संडे। और जब आप लोग यूज टू हो जाएंगे ना, तो फिर आपके माइक के कंट्रोल्स आप ही के पास रहा करेंगे। मुझे मजा आता है जब मैं ट्रेडिशनली क्लास लेता हूँ ना, जिस तरह से हम लोग क्लास रूम में पढ़ाया करते थे। शी राइट्स अ लेटर, शी कॉल्स मी ऑन संडे। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आइए इस सिंपल सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, हम इसको कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं। अब इसको आप कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो याद रखें, ये जो आगे इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने लिखा है, अब मैं इसके आगे एक और प्लस लगाकर
मैं कहता हूं कि यहां पर भी आप एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा दीजिए, यानी कि दो सेंटेंसेस को अगर आप जोड़ दें तो वो बन जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। ऊपर ही दो सेंटेंस आपने लिखे, शी राइट्स अ लेटर, शी कॉल्स मी ऑन संडे। अब जब मैं इसको जोड़ूंगा तो जोड़ने के लिए मुझे एल्फी चाहिए होगी। अब एल्फी से मुराद मुझे बीच में कोई कनेक्टर चाहिए, ऐसे तो नहीं जुड़ेगा ये जुमला, ऐसे तो नहीं जुड़ सकता प्लस लगाकर, मैथ्स तो नहीं चल रही। देखें आप बताइए मैं इस जुमले को कैसे जोड़ू। She writes a letter and she calls me on Sunday. शी राइट्स अ लेटर एंड, और खूबसूरत बनाने के लिए हम यू लिख देते हैं एट सम टाइम्स। क्या कहते हैं, खूबसूरत बनाने के लिए सम टाइम्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड सम सर, टाइम्स शी कॉल्स मी ऑन संडे। शी बहुत पहले दुदुकटन करो। राइट्स अ लेटर एंड सम टाइम्स शी कॉल्स मी ऑन संडे। अब ये जरा समझ आता है कि हाँ भाई इट्स अ गुड सेंटेंस। अब सेंटेंस को जोड़ने के लिए अभी हमने लगाया है एंड, और ये कहलाता है कनेक्टर कंजंक्शन। इसको हम कहते हैं कनेक्टर कंजंक्शन। जो याद करें कल एक सवाल उठा था, सर व्हाई आर वी वीक इन इंग्लिश, व्हाई कांट वी स्पीक इन इंग्लिश, व्हाई इवन आफ्टर कंप्लीटिंग एम ए इंग्लिश स्टूडेंट्स हैव टू लर्न लैंग्वेज और दे हैव टू लर्न स्पीकिंग एंड इवन दे कैन नॉट राइट गुड लेटर एंड एप्लीकेशन ऐसे बिकॉज वी हैव पुअर नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चरल वर्ड्स। और स्ट्रक्चरल वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो आपके वर्ड्स को जोड़ते हैं, आपके आइडियाज को जोड़ते हैं, आपके सेंटेंस को जोड़ते हैं। और ये एक स्ट्रक्चरल वर्ड है कंजंक्शन, जिसके बहुत सारे नाम हैं। इसको हम लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं, इसको हम कनेक्टर भी कहते हैं। कनेक्टर्स मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि दे एक्चुअली कनेक्ट योर आइडियाज। शी राइट्स अ लेटर एंड समटाइम्स शी कॉल्स मी ऑन संडे। मैंने अपने दो आइडियाज को जोड़ दिया। अच्छा, आपने अगर इस बात को नोटिस किया हो तो मैंने दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा है। अगर तो दो सिंपल सेंटेंसेस को आप जोड़ते हैं तो वो कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। कोशिश करें आज से जब आप लोग अपनी स्पोकन क्लास में होते हैं, डिस्कशन क्लासेस में होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आई डू नॉट डिस्टर्ब यू विद माय ग्रामर क्लासेस, आई वांट यू टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल। लेकिन कभी ये मत सोचा करें हमें तो बोलना ही नहीं आता। अल्लाह ने कान दिए हैं, सुनना आता है, सुनना शुरू कीजिए। 3 दिन सुनेंगे तो अगले चौथे दिन बोलना शुरू कर देंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि आप सुने और आप बोले नहीं, बस आप लोगों का माइंडसेट जो ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। मैं तो बोल ही नहीं सकती हूँ, क्यों गूंगी हो, मैं तो बोल ही नहीं सकती। यू कैन डू इट, सबसे पहली चीज अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आए, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। मेरा पहला पहला माइंडसेट ही होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये गाइड करता हूँ, आप याद कर लें, अगर आपने मेरे वो माइंडसेट की पिक्चर नहीं ली तो आप ये ले लीजिए, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई एम श्योर। मैं कहता हूँ आप लोगों से, आई एम श्योर यू कैन डू इट, बी ऑप्टिमिस्टिक, नथिंग इज इम्पॉसिबल। फ्लुएंसी कम्स फर्स्ट देन एक्यूरेसी, पहले रवानी आती है फिर दुरुस्तगी आती है। आप कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे अपने रियल लाइफ के अंदर, सर बस नहीं, मैं जब बोलूंगी ना तो ऐसा बोलूंगी लोग पागल हो जाएंगे। मैंने कहा तुम खुद ही पागल हो जाओगी और तुम कभी बोल नहीं पाओगी। तुम बोलना शुरू करो, गलतियों की टेंशन ना लो, फ्लुएंसी को आने दो, एक्यूरेसी उसके आड़े नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने इस बात को फोकस किया कि मैं सही बोल रही हूँ, कोई मेरी गलती निकाले, तो फ्लुएंसी को का तो ख्वाब अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। कुछ बच्चे मुझे बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, कोई गलती नहीं निकालना। अरे गलती निकालेंगे ना तो फ्लुएंसी का चैप्टर क्लोज कर दीजिए।
और आपको गलत, मैं आपको हकीकत बता दूं, देखिए हमारे पास बहुत सारे केसेस आ चुके हैं, 20 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ा चुके हैं। कुछ बच्चे जो आते हैं फ्लुएंट फ्लुएंट आते हैं, दे स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, 1 महीने बाद पता है क्या कहते हैं, व्हेन आई ज्वाइन आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली बट आफ्टर अ मंथ माई फ्लुएंसी हैज गॉट डिस्टर्ब। क्यों? क्योंकि नाउ यू आर वर्किंग ऑन योर एक्यूरेसी। जब आप ग्रामर के वो पॉइंट्स पढ़ना शुरू कर देते हैं जहां आपको पता चलते हैं, हे अल्लाह मेरी ये गलती है, इफ आई विल, आप पढ़ेंगे जैसे इफ के साथ विल नहीं लगता लेकिन आप लोग जनरली लगाते हैं, इफ यू विल वर्क हार्ड। जब आप ग्रामर के रूल्स पढ़ना शुरू करेंगे आप कहेंगे हम तो बोल ही गलत रहे, तो आपकी फ्लुएंसी डिस्टर्ब होगी। तो ये वो टाइम है, दिस इज द वेरी पीक टाइम, क्रूशियल टाइम टू गेट फ्लुएंसी, बिकॉज ग्रामर इज नॉट डिस्टर्बिंग यू, यू आर लर्निंग जस्ट सिंपल रूल्स, रिफ्रेशिंग योर बेसिक नॉलेज। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट, स्पेंड मच टाइम इन योर स्पोकन एंड डिस्कशन क्लासेस, 1-to-1 डिस्कशन क्लासेस, लिसन अलॉट, स्पीक अलॉट, बिकॉज आफ्टर 2, 3, 4 वीक्स वेन यू आर इन द ग्रामर फेज यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन एक्यूरेसी, एंड वेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन एक्यूरेसी योर फ्लुएंसी गेट्स डिस्टर्ब फॉर द टाइम बींग, फिर आप दिल बर्दाश्ता ना होइएगा। बस मैंने पहले ही बता दिया, वो एक फेज आता है उससे निकल जाएंगे फिर आप, और इन 3-4 सेंटेंसेस को हमेशा अपने जहन में रखें, अपने मोबाइल फोन की वॉलपेपर पे लगा दीजिए, बैकग्राउंड पे लगा दें, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश, आई एम द बेस्ट। ठीक है, गॉट इट? मेरा ख्वाब था कि मैं हर जब भी सफर करूं एक नई गाड़ी में सफर करूं, आज अल्लाह ने इतनी गाड़ियां दी हैं कि जितना शुक्र अदा करूंगा, और मेरा मेरी ख्वाहिश हमेशा ये थी कि मैं कभी खुद गाड़ी ना चलाऊं, आई वॉन्ट अ ड्राइवर, एक कॉल पे मेरी 10 गाड़ियां खड़ी हो जाती। करीम, उबर, योंगो, इन ड्राइव, हर चीज पैसे से नहीं होती, बस आपकी सोच से होती है, आप सोचे वो चीज आपको मिल जाती है, अल्लाह पाक का असबाब बना दे। तो बेटा आप सोचे, जो बच्चे आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपने कहीं पर लिख ले, आई विल गेट 8 बैंड्स इन आइल्स, लिख ले कहीं पर जहां आपकी नजर रोज पड़ती है, इससे क्या होगा, 8 बैंड्स आ जाएंगे, आप उस लेवल की मेहनत करना शुरू कर देंगे जब वो बार बार देखेंगे। इंशाल्लाह सर। हमारे टीचर थे वो कहते थे अगर आपको किसी तरह का इंसान की तरह बनना है ना, उस इंसान की तस्वीरें अपने साथ रख लें। तो मैंने कुछ लोगों को देखा है अपने वॉलेट में अपने वालिद साहब की तस्वीर रखी हुई है, मम्मा की तस्वीर रखी है, उनकी वजह ही होती है कि मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ। तो जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं ना, उन लोगों की तस्वीरें अपने साथ रखें, तो देखिएगा आप हमेशा इस बात को अपने जहन में रखेंगे, असबाब अल्लाह पाक खुद पैदा कर देते। तो ये कुछ पॉजिटिविटी है, अच्छा सोचा करें, हमेशा अच्छा होगा, कभी दिल बर्दाश्ता मत हुआ करें अपनी जिंदगी से, ठीक है ना। लाइफ का मतलब ही होता है अप एंड डाउन्स, कभी अप्स आते हैं कभी डाउन्स आते हैं, ठीक है ना। खुशी के साथ गम भी होता है, गम के साथ खुशी भी होती है, जुड़ा जुड़ा हर चीज आपको दुनिया में मिलती है। तो नाकामी है तो कामयाबी भी होगी, टेंशन क्यों ले रहे, ठीक है। मेहनत करेंगे तो उसका आपको सिला अल्लाह पाक देते हैं। चले तो अब हम वापस जा रहे हैं जहां से हमने भी अपनी बात को खत्म किया था, अब कंपाउंड सेंटेंस आपको समझ आ गया है, हमने दो बातों को जोड़ दिया। अब याद करें कल आप लोगों ने डिपेंडेंट क्लॉज पढ़ा था, याद आ रहा है, यहीं से उठा लेते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, क्या ये डिपेंडेंट क्लॉज है, मानते हैं इस बात को, ये डिपेंडेंट क्लॉज है इफ यू वर्क हार्ड। यस अच्छा अब सर, ये तो यस सर, डिपेंडेंट क्लॉज है, अगर मैंने एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ दिया, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अब आप खुद समझदार स्टूडेंट हैं, अभी जो हमने ऊपर जोड़ा था वो कौन से 2 सेंटेंसेस को जोड़ा था बताइए, अभी जो आपने 2 सेंटेंसेस को जोड़ा वो कौन से 2 सेंटेंसेस को जोड़ा, डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा था आपने मैंने दो यार, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा था, अब आप क्या करने जा रहे हैं,
अब आपने एक डिपेंडेंट उठा लिया, देखिएगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज उठाया, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब बात बिल्कुल आसानी से समझ आ रही होगी। और ये आपने इसके आगे क्या जोड़ दिया, इनडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये कंपाउंड से क्या बन जाएगा, अब इसका नाम नया हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स अच्छा, ये बात मैं कसम से कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ, स्कूल लाइफ में कभी टीचर समझा नहीं सका, जबकि इतनी आसान सी बात थी, समझा देते तो हम अपनी स्पोकन में थोड़ी सी बेहतरी ले आते। कोई मुश्किल चीज नहीं है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। देखिए, अब आप अपनी आंखों से मुझे बताइए क्या इसमें मुश्किल बात है। हाँ, मुश्किल पॉइंट एक ही है जो मैं कल ऑलरेडी बता चुका हूँ, और वो पॉइंट क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन की जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, आपका कंपाउंड सेंटेंस नहीं बनेगा। सो यू नीड टू वर्क ऑन इट। कल आपके पास 3 PDFs आएंगी, कंजंक्शंस की, आर्टिकल्स की, प्रपोजिशंस की, ठीक है। इन तीनों PDFs के ऊपर आपको काम करना है, सैटरडे और संडे इनके लेक्चर्स को सुनना है, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। आर्टिकल्स एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, कंजंक्शन एक दिन में खत्म हो जाएगा, प्रेपोजिशन एक दिन में खत्म नहीं होगा, 12 दिन आपको उस पर काम सर करना आप है। अनाउंसमेंट ग्रुप पे भेजेंगे? जी, मैं आपके पास अनाउंसमेंट में ग्रुप में भेज दूंगा, आप उसमें चेक कीजिएगा, और एक वॉइस नोट भी भेजूंगा किस तरह से आपको उसको फॉलो करना है। वैसे तो लेक्चर में भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने देखिए, बिल्कुल स्क्रीन को देखते रहे, आपको हर चीज समझ आ जाएगी। कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी एक मिक्सचर है, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी एक मिक्सचर है, और उस मिक्सचर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए मैं यहीं से उठा रहा हूं आपके सामने, ये बातें इस तरह से ज्यादा आसानी से समझ आती है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। एक नया आपके सामने सेंटेंस की वेरिएशन आ रही है, और आयल्स राइटिंग के अंदर, स्पीकिंग के अंदर इसको टारगेट करें। कंपाउंड आपने लिखा हुआ है, आगे एक और ऐड कर दें, और वो क्या होगा, वो होगा डिपेंडेंट क्लॉज। अगर आपने डिपेंडेंट क्लॉज को आगे ऐड कर दिया, तो अब ये जुमला बन गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सारा राइट्स अ लेटर एंड समटाइम्स शी कॉल्स मी ऑन संडे। अक्सर अब मैं इसके आगे अगर ये लिख दूं, एंड सम टाइम्स शी कॉल्स मी ऑन संडे इफ शी हैज एनी इम्पॉर्टेंट, इफ शी हैज एनी इम्पॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस। अब आप गौर से देखें और मुझे बताइए कि अब मैंने ये जो इफ क्लॉज इस्तेमाल किया, क्या ये डिपेंडेंट क्लॉज है? समझ आ रही है मेरी बात? अब आसान लफ्जों में मैंने समझा दी तीनों चीजें। ये बात मैंने महसूस की कि जब आप लेक्चर स्टूडेंट के सामने लिखे, भले से आप उसको एक एग्जाम्पल दे दें, उसके बाद कि वो उस खाने में जाकर बैठ जाती है। अच्छा, दो सिंपल सेंटेंसेस, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, वही कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा, ये बन गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये 3 वैरायटी है आपके पास। शी राइट्स अ लेटर एंड सम टाइम्स शी कॉल्स मी ऑन संडे, ये हो गया आपका कंपाउंड। इफ शी हैज एनी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस, ये आपने डिपेंडेंट क्लॉज जोड़ दिया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव लिखा है, तो ये चीजें नोट्स में आपको नहीं मिलेंगी। मैं इसी तरह से आपको समझाने के लिए कभी कभार अपने लेक्चर्स लिखता रहता हूँ, और मुझे भी मजा आता है लिखने में, समझाते। चल, आप डिटेल में जाएंगे तो आपको देखें बहुत सारी बातें नजर आएंगी, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा सब कुछ। सिंपल सेंटेंस बहुत सारे आपके पास है, कहता है सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब बात समझ भी आ रही होगी, विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, शी रेंट टू कैच द बस, इट इज अ सिंपल सेंटेंस। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, जॉन लाइक्स टू प्ले द गिटार, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, द कैट इज स्लीपिंग पीसफुली,
इसी तरह से जब आप दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दें, जरूरी नहीं है दो हो, दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस हो आप उनको जोड़ दीजिए, लेकिन जोड़ने के लिए आपको किन की जरूरत पड़ेगी भाई? कंजंक्शंस की। सिर्फ के सिर्फ एंड से आप जो है वो अपना जुमला जोड़ नहीं सकते ना, आपके पास बहुत सारे कंजंक्शंस हैं। कल लेक्चर आप अटेंड कीजिएगा जो मैं आपको भेजूंगा, तो आपका जहन बहुत हद तक खुल जाएगा। आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम ग्रॉसरी, एंड और। अच्छा, एंड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? जब हम दो सिमिलर आइडियाज, जो सिमिलर आइडियाज होते हैं और पॉजिटिव आइडियाज होते हैं, उनको हम कंबाइन करते हैं। हम बट का इस्तेमाल जब करते हैं, जब हम थोड़ा कंट्रास्ट शो करना चाहते हैं। शी लव्स प्लेइंग सॉकर, अब मुझे थोड़ा कंट्रास्ट शो करना है तो मैं बट का इस्तेमाल करूंगा। बट शी ऑल्सो एंजॉय स्विमिंग। लेकिन हम देयर फोर का इस्तेमाल जब करते हैं, जब हम किसी काम के रिजल्ट्स के असरात को सामने रखना चाह रहे हो कि इसका नतीजा क्या निकला। ही स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम्स, नतीजा क्या निकला? लिहाजा इसका रिजल्ट क्या हुआ? लिहाजा देयर फोर ही गॉट एन ए ग्रेड। जब हमारे पास च्वाइस होती है, जिससे जैसे हम लोग उर्दू में बोलते हैं या, वेन वी हैव च्वाइस ऑफ डूइंग समथिंग, आई कैन वॉक टू वर्क या फिर आई कैन टेक द बस, जैसा तुम बोलो। द स्काई इज क्लियर। सो का इस्तेमाल हम जब करते हैं, जब हम कोई रिजल्ट अपने सामने देख रहे होते हैं, तो उसके बाद हम कहते हैं इसीलिए। द स्काई इज क्लियर, इसलिए चलो शॉपिंग पे चलते हैं, इसलिए चलो शॉपिंग पे चलते हैं। सो लेट्स गो शॉपिंग। पंचुएशन का ख्याल रखें, कहाँ पर कॉमा लग रहा है, एंड से पहले भी कॉमा लग रहा है, बट से पहले भी कॉमा लग रहा है, देयर फोर से पहले सेमी कॉलन, देयर फोर के बाद कॉमा, और से पहले कॉमा, सो से पहले कॉमा। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को अपनी राइटिंग में रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छी स्कोरिंग मिलती है आप कोई सा भी राइटिंग का एग्जाम। और ये चीजें एक दिन में नहीं सीखी जाती, ये आप जब बेसिक से पढ़ते हुए जा रहे होते हैं ना, जैसे आज आप लोग पढ़ रहे हैं, टुक 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 करते हुए जाएंगे आप लोग, देन यू विल इम्प्रूव अ लॉट। और हर चीज को प्रैक्टिस जरूर किया करें, कभी ये मत सोचा करें हाँ समझ आ गया। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हर चीज की एक्सरसाइज आपके पास यहाँ पर है। और जो मैं पढ़ाता हूँ थर्सडे और फ्राइडे को, उसका टेस्ट जरूर लेता हूँ, तो टेस्ट में पूरे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है ना? फिर आ जाए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको अब समझ आ गया है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। अ डिपेंडेंट क्लॉज रिलाइज ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू फॉर्म अ कंप्लीट थॉट। ये बात कल भी आपने डिस्कस की थी, आज भी तो आपके सामने आ गई। कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। आपके सामने देखे बहुत सारे हाईलाइटेड हुए हैं, ये सब आपके डिपेंडेंट क्लॉज है, मोहताज है। ये किस पर मोहताज है? इनडिपेंडेंट क्लॉज के, ठीक है, गॉट इट? फिर अब आपने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आपके सामने आ गया। कंपाउंड वही दो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स वही कि आप इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज को एडिशन कर दीजिए। शी वेंट टू द स्टोर एंड आई स्टेड एट होम, एंड आई स्टेड एट होम, आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। दे स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम बट दे डिडंट परफॉर्म वेल बिकॉज दे वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। आफ्टर शी फिनिश्ड हर प्रेजेंटेशन, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज। शी आंसर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, शी आंसर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस एंड एवरीवन अप्लॉडेड। दो आपने सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा, एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ दिया, बन गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अगर आपने ये बातें समझ ली हैं, तो अब आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपनी रियल लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता। सिंपल सेंटेंसेस आपके सामने है, मैं ये वाली पीडीएफ जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, ये भी इंशाल्लाह मैं आज रात में आपके व्हाट्सएप पे भेज दूँ, ठीक है? ताकि आपके सामने 30 सेंटेंसेस जब आएंगे ना, आप इसको रीड किया करें। दीज आर सिंपल सेंटेंसेस, रात में बैठ के एक दफा स्क्रॉल डाउन करके मोबाइल में, जैसे आप लोग फेसबुक देखते, आधा घंटा आपने अपने नोट्स को दे देना है।
2 दिन ही तो चाहता हूँ मैं, आप ग्रामर को थोड़ा सा फोकस करें, बाकी आप 3 दिन स्पोकन और डिस्कशंस को फोकस करें, और 2 दिन बैठ के अच्छा सा रिवीजन करें, नोट्स लिखें, टेस्ट दें, ठीक है? शी लाइक्स टू रीड बुक्स बट ही प्रेफर्स वॉचिंग मूवी। इससे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली दूर हो रही होती है, कि जैसे प्रेफर के बाद वॉचिंग, प्रेफर्स वॉचिंग मूवीज। सेंटेंस को रीड करते वक्त फोकस किया करें, द वेदर वॉज हॉट कॉमा आ रहा है सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ स्विम। फॉर स्विमिंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फॉर अ स्विम, इसने स्विम को एज अ नाउन यूज कर लिया। ही इंजॉयज प्लेइंग सॉकर एंड हिज सिस्टर लव्स प्लेइंग टेनिस। लव्स के बाद वर्ब आई एन जी, इंजॉय के बाद वर्ब आई एन जी। आई फिनिश माई वर्क अर्ली येट आई स्टिल कुडन गो आउट टू प्ले। उसके बावजूद भी मैं बाहर खेलने नहीं जा सकी या नहीं जा सका। शी वॉन्टेड टू गो शॉपिंग येट शी डिडंट हैव इनफ मनी। वो जाना चाहती थी लेकिन उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो जाती। द डॉग बार्क लाउडली एंड द कैट रन अवे। कुत्ता बहुत जोर से भागा और वो बिल्ली वहां से भाग गई। तो इस तरह से बैठकर रीड करना करेंगे ना, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, कि लिखने की वजह ये है दैट आई वॉन्ट यू टू रीड ऑल दीज सेंटेंसेस। सो आपका जहन के अंदर वो खाने बन जाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर उसके बाद कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। बड़ी मेहनत से नोट्स में लिखता हूँ, डिजाइन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? चले आए, अब आप मुझे बताएंगे कि जो सामने सेंटेंस लिखा हुआ है ये सिंपल है। 15 से मुझे आप लोग बताएंगे, चैट्स आपकी ऑन हुई हुई है। 15 डॉट करके लिखिएगा, द डॉग बार्क बट द कैट स्टेड होम स्टेड काम। ये बताइए ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है? 15 डॉट करके लिखिएगा, द डॉग बार्क बट द कैट स्टेड होम। इट्स, अगर तो ये सिंपल सेंटेंस होता बेटा तो ये एक होता ना, सिंपल सेंटेंस तो एक होता है, द डॉग बार्क, कुत्ता भौंका, भौंकने दे, काम ही उसका, तो ये होता है सिंपल। लेकिन अब आपने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। आइल्स वालों, ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये तुम्हें दो सेंटेंसेस को जोड़ना है, बट द कैट स्टेड काम, ये कंपाउंड सेंटेंस है। याद रखिएगा, मैं गारंटेड बताता हूं कि अगर आप सिंपल सेंटेंसेस अपनी राइटिंग में लिखते हैं, आप कभी भी 5.5 से ज्यादा नहीं ले सकते, कभी भी नहीं ले सकते, ठीक है? आगे चलिए। वी वेंट टू द बीच एंड वी इंजॉयड स्विमिंग इन द ओशन। वी वेंट टू द बीच एंड वी इंजॉयड स्विमिंग इन द ओशन। 16 करके डॉट करके लिखें सर, इट्स अ कंपाउंड सेंटेंस। वेरी गुड। बिकॉज ही स्टडीड हार्ड। हाँ तो क्या हुआ, बिकॉज ही स्टडीड हार्ड तो क्या हुआ, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई वेंट फॉर अ रन एंड देन आई डिड सम योगा। 18 18 डॉट करके लिखिए। वेरी गुड फौजिया, वेरी गुड इकरा। 18 डॉट करके लिखिए, आई वेंट फॉर अ रन एंड देन आई डिड सम योगा। इट्स अ कंपाउंड सेंटेंस। हालांकि मैं बहुत, वो बहुत थका हुआ था। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड। हाँ तो क्या हुआ, आगे बोलो। अब आगे बोलना ही पड़ेगा, ये बात अधूरी सी है, तो जब बात अधूरी है तो आप फौरन पहचान देंगे सर ये कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया, ये अधूरा है, ठीक है ना? ऑल्दो ही वाज टायर्ड ही स्टेड अप टू फिनिश हिज प्रोजेक्ट। शी सिंग्स ब्यूटिफुली एंड शी आल्सो प्लेज द पियानो। सर इट्स अ कंपाउंड सेंटेंस, इट्स अ कंपाउंड सेंटेंस। आ गई बात समझ, ठीक है? ये एक्सरसाइज आपके साथ जा रही है, 1 to 50 आप मार्क करेंगे, ये कंपाउंड है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना? और उसके आगे आंसर्स भी अवेलेबल होते हैं, आप मुझे लिख कर ना भेजें, क्रॉस चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें कि आपके ये जवाब सही है, आपने सही मार्क किए हैं। आपकी अपनी सेल्फ लर्निंग होती है। इसी तरह से एक एक्सरसाइज आपके पास और है,
11 टू 15 में आपको मैं कह रहा हूं, आप एंड लगाइए, बट लगाइए, सो लगाइए, येट लगाइए, आपको लगता है कुछ और आना चाहिए वो लगाइए। आपको मैंने 5 नंबर का एक टेस्ट दिया है, देखते हैं क्या लगाते हैं। द रेस्टोरेंट वॉज फुल, दे हैड टू वेट फॉर अ टेबल। मैं क्या लगाऊं, एंड, बट, सो, येट, देयर फुल, क्या लगाऊं? द रेस्टोरेंट वॉज फुल, दे हैड टू वेट फॉर अ टेबल। किसी ने कहा येट, किसी ने कहा बट, किसी ने कहा एंड, सबके अलग अलग जवाब, किसी ने सो। अपना जवाब याद रखिएगा। ही कुक डिनर, शी सेट द टेबल फॉर अ रोमांटिक इवनिंग। ही कुक डिनर, ही कुक डिनर, शी सेट द टेबल फॉर अ रोमांटिक इवनिंग। किसी ने कहा एंड, फिर एंड, बट एंड एंड बट एंड देन भी आ गया, सुबह लगा। आई वॉन्ट टू गो शॉपिंग, आई ऑल्सो नीड टू फिनिश माई असाइनमेंट। आई वॉन्ट टू गो शॉपिंग, आई ऑल्सो नीड टू, बट एंड बट, लग रहे तुक्के लग रहे। शी लव्स डॉग्स, हाउ एवर शी इज एलर्जिक टू देम। हाउ एवर ही इंजॉयज प्लेइंग बास्केटबॉल, ही ऑल्सो एक्सेल्स एट प्लेइंग टेनिस। ही enjoys playing basketball, he also excels at playing tennis. आइए अपने अपना स्कोर शेयर कीजिए कि आपको 11। The restaurant was full, so they had to wait for a table. He cooked dinner and she set the table. I want to go shopping, but I also need money. She loves dogs. वहां पर however already लिखा हुआ था, मतलब वहां तो कुछ लगाना ही नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने जबरदस्ती लगा ही दिया। However, she is allergic to them. She enjoys playing basketball and he also excels at in playing tennis. एक्सरसाइज आपके साथ जा रही है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। कल आप लोगों का इस तरह का एक टेस्ट भी होगा, ठीक है ना? टेस्ट 1 और टेस्ट 2 आपका संडे को होगा, और वो सिर्फ होता है 10 मिनट का, शायद लेस, टोटल 20 नंबर का होता है, 10 मिनट में आप उसको कर लेंगे। तो उसके लिए कोई आपको ऐसा नहीं है, आप गाड़ी में सफर कर रहे हो, आप बस टेस्ट के लिंक पे क्लिक करें और अपना टेस्ट देते हैं। गूगल फॉर्म के थ्रू वो हम टेस्ट आपका कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना? और उन टेस्ट में अपेयर होने से आपको पता चलता है कि मैंने थर्सडे फ्राइडे की 3 दफा ग्रामर क्लास ली, उसके बाद मैंने क्या सीखा। सैटरडे को नोट्स लिखने की आदत डालें। वट एवर यू स्टडी, डू राइट ऑन सैटरडे कि मैंने ये चीज सीखी। अपना भी एक रूटीन सेट कर ले, अपने नोट्स बना लें कि मैंने ये पढ़ा। हमारे नोट्स में बहुत कुछ आपको मिल जाता है, बट डिजाइन योर ओन नोट्स। अगर हैंड रिटन करेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है? चलिए सर, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ सेंटेंस। मैं आप एक बुनियाद डाल रहा हूँ, ये बुनियाद मुझे अगले हफ्ते काम आएगी, आने वाले वक्तों में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीजों को याद कर लें। कल के दिन आप गौर से देखें, वेन एवर वी फॉर्म सेंटेंस, आज से पहले हमने देखा था 3 चीजें रिक्वायर्ड होती थी, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आज एक नई चीज सर ने इंट्रोड्यूस करवाई है, एडवर्ब। जब हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो हमारे सेंटेंस के अंदर 4 चीजें रिफ्लेक्ट होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। आज के सेशन में मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे बात नहीं कर रहा, अगला सेशन है ही सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पे, उससे अगला वर्ब के ऊपर है। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ एडवर्ब पर। यहाँ पर एडवर्ब से मुराद है टाइम एक्सप्रेशंस। आप तमाम एडवर्ब्स को देखें, डेली, ऑलवेज, नॉर्मली, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी संडे, एवरी वीक, एट द मोमेंट, दीज डेज, नाउ डेज, राइट नाउ, नाउ, याद करें, रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, बिफोर, येट, सो फार, एवर। यकीन से कह रहा हूं, अगर ये अल्फाज तुम लोगों ने आयल्स स्पीकिंग के दौरान इम्तिहान में अपनी जबान से अदा कर दिए, तुमने 7+ का झंडा लहरा दिया। एडवर्ब्स तुम्हारे स्कोर को एकदम से बूस्ट कर देते हैं, लेकिन आप लोग इन एडवर्ब्स का इस्तेमाल ही नहीं करते। ये एडवर्ब्स आपके टेंसेस की जान होते हैं। देखें, हर टेंस भी मैंने मेंशन किया हुआ है,
और ज्यादातर हम लोग अपनी स्पीकिंग में प्रेजेंट टेंसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखिए, प्रेजेंट सिंपल के एडवर्ब्स याद करें, ये याद करने वाली बातें हैं, समझने वाली नहीं। प्रेजेंट सिंपल में डेली, ऑलवेज, नॉर्मली, यूजुअली, ऑफ्टन, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी संडे, एवरी वीक। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में एट द मोमेंट, दीज डेज, नाउ डेज, राइट नाउ, नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट में रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, बिफोर, येट, सो फार, एवर। अच्छा, जो सेंस ऑफ फॉर मैंने वहां पर मेंशन किए हैं, मैं फिर बता दूं, दे आर नॉट एडवर्ब्स, दे आर प्रेपोजिशंस, आगे मेंशन भी किया है। उंगली उठाने वाले हमारे माशरे में लोग बहुत हैं, ठीक है ना? आपको मतलब कोई हो सकता है कल को मिल जाए, भाई ये क्या पढ़ाया आपने, किसने कहा है ये एडवर्ब्स है? भाई ये प्रेपोजिशंस है, हमने लिख दिया, लेकिन हम फैमिली वर्ड्स याद करवा रहे थे तो हमने कहा इसको अधूरा छोड़े, इसको भी हमने निपटा दिया। पास्ट टेंसेज में देखिए, पास्ट टेंसेज में पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है, पीटी का मतलब पास्ट टेंस होता है। सेकंड फॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं, यस्टरडे लिखा हुआ है, डे बिफोर यस्टरडे हो, लास्ट नाइट हो, लास्ट वीक हो, इन चाइल्डहुड हो, आप पास्ट सिंपल लगा सकते हैं। टुमारो, टुनाइट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट करके कुछ भी आ जाए, आप फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये एडवर्ब्स आप याद कर लेते हैं तो अब आप देखें आपको फायदा क्या होता है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं कोशिश करता हूं कुछ ऐसे सेंटेंसेस ले आऊं जिसमें सिर्फ आपको एडवर्ब्स नजर आए। अब आप अपनी चैट में जवाब लिखना चाहें तो मुझे खुशी होगी। अब देखिए, आपके पास जो सेंटेंस है उसमें तब्दीली सिर्फ एडवर्ब्स की है, मैंने सिर्फ एडवर्ब्स को बदल रहा हूं। शी कुक फूड राइट नाउ, मैंने यहाँ यस्टरडे लगा दिया, यहाँ टुनाइट लगा दिया, ठीक है? और अगर मैं इसमें एक सेंटेंस और ऐड कर दूं तो देखें, राइट नाउ की जगह पर मैं समटाइम्स भी लगा देता हूं, तो अब आप मुझे बताएंगे कि मेरा सेंटेंस क्या होगा। ये मैंने समटाइम्स लिख दिया, ठीक है? अब देखें, एडवर्ब को बदलने से जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अलीजा बेटा, उसना मेरी बात आप अगर सुन रही हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज की कि एडवर्ब को बदलने से वर्ब बदलता है। मानते हो उस बात को? एडवर्ब को बदलने से वर्ब बदलता है। देखो, वर्ब बदल रहा है या नहीं बदल, लिखो अपने जवाब चैट में। पहला जवाब आ गया समटाइम्स, जैसी देखा रीबा ने, और कुक के साथ क्या कर दिया आपने, कुक्स, सारा कुक्स फूड समटाइम्स। राइट नाउ को देखकर आपके जहन में, हदीका, वेरी गुड, राइट नाउ को देखकर आपके जहन में अब कुक कहाँ चला जाएगा? आप सिर्फ चाहे मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आप नंबर मेंशन कर दें, आपकी जिंदगी और आसान कर देता हूँ। ये लीजिए, सही। अब आप नंबर डाल के लिखो, सारा इज कुकिंग फूड राइट नाउ। नंबर थ्री में आपने क्या किया, थ्री में कुक, सिर्फ आप पूरा सेंटेंस ना लिखे, थ्री में कुक को बता दें क्या कर देंगे, कुक्ड, वेरी गुड अमीना, इमान, वेरी गुड हलीमा, वेरी गुड इकरा, छा गई आप, वेरी गुड। फोर में अब आप क्या करेंगे, देखो ये तुम्हारा जहन है जो अभी आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, तुम एडवर्ब को देखकर अपने वर्ब की गलती को संभाल रही हो, समझ रही हो, गलती नहीं होगी। सारा कुक फूड टुनाइट, अब टुनाइट है तो विल लग जाएगा, सारा विल कुक फूड टुनाइट। बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर टॉक्स अबाउट पास्ट एक्सपीरियंस और ये प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है, वेरी गुड मुकद्दस। अब बताइए, अब सारा के साथ हैव लगेगा, जरीन बहन, या हैज लगेगा, सोचिए। सारा इज गोइंग टू कुक नहीं होगा, सारा इज, सारा विल कुक फूड टुनाइट, सारा विल कुक फूड टुनाइट।
अब बिफोर लिखा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, तो हैज लगाना पड़ेगा और उसके साथ वेरी गुड कमल, सारा हैज कुक फूड बिफोर, सारा ने खाना पहले भी बनाया है। जरीन छा गई, आपने सिक्स भी बना दिया। नाउ इट वर्क, नाउ इट वर्क क्या होगा? नाउ इट, ना ना बेटा ना ना, इट के साथ वर्ड्स लगा दो। कैसी बातें कर रही है बख्तावर, कैसी बातें कर रही है। नाउ आ रहा है, मैं चले आपकी खातिर एक सेंटेंस और लिख देता हूँ। समटाइम्स इट वर्क, ये लीजिए आपकी खातिर एक सेंटेंस और लिख दिया। समटाइम्स, समटाइम्स इट, अब समटाइम्स लिखा है तो अब आप अपना शौक पूरा कर ले, इट वर्क्स। लेकिन नाउ लिखा है तो नाउ को देखकर आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लगाएंगे ना, लगाइए। अभी तक आया नहीं मेरे पास किसी का जवाब। नाउ इट इज वर्किंग, नाउ इट इज वर्किंग, समटाइम्स इट वर्क्स। आपने एडवर्ब को देखकर वर्ब का फैसला करना है। सर हसीब ऑलवेज कम ऑन टाइम, सर हसीब नेवर कम ऑन टाइम, ऐसा कोई बोल नहीं सकता, बोलकर तो दिखाए। एकेडमी के अंदर हम जब जाते थे तो घड़ियां हमारे पहुंचने पर सेट होती थी कि भाई 3 बज गए, सर हसीब आ गए। वो रिसेप्शनिस्ट भी पूछती थी, चले सर बड़ी सुई 3 बारे समझ आता है, बड़ी सुई 12 बारे समझ आता है, छोटी सुई 3 बारे समझ आता है, लेकिन आप कैसे ऐसा मैनेज करते हैं कि ये सेकंड की सुई भी 12 बार आती है तो आपका पहला कदम अंदर पड़ता है। मैं कहा बस बेटा, दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। अब मैं सेकंड की सुई भी रिसेप्शनिस्ट को दिखाता था, अटेंडेंस मार्क करती थी। मैं कहा देख लो 1 मिनट भी लेट नहीं, अगर तुमने लिखा ना 10 सेकंड ऊपर तो अच्छी बात नहीं होगी। सरसीब ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, सरसीब नेवर कम्स ऑन टाइम। बस कभी कभार ऑनलाइन सेशंस में ये होता है कि हमारे साथ साइमल्टेनियसली चार चार सेशंस चल रहे होते हैं, तो हम तो कुर्सी पर होते हैं लेकिन सबकी क्लासेस को कनेक्ट करते करते हम सबसे आखिर में अपनी क्लास में पहुंचते हैं। सरसीब कम ऑन टाइम टुडे, अब बताओ अब जुमले में क्या तब्दीली आ रही है? ऊपर तो तुम लोगों ने लगा दिया कम्स, अब इस सेंटेंस में टुडे आ रहा है तो टुडे को मैं क्या कहूं? सरसी विल कम ऑन टाइम टुडे, सरसी आज वक्त पर आएंगे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छे, मान लिया। फ्यूचर में जा सकता है, पास में भी जा सकता है। सरसी आज वक्त पर आए थे, सरसी केम ऑन टाइम टुडे, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। सरसी विल कम ऑन टाइम टुडे, आज वक्त पर आएंगे, ना आए तो फारिग कर दीजिएगा उनको। सरसी केम ऑन टाइम टुडे, आज वो वक्त पर ही आए थे भाई, ठीक है। They have called you recently, ये हो गया आपका। चले आ गई बात समझ। इस तरह की एक एक्सरसाइज आने वाली जिंदगी में आपके पास आएगी, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। याद रखिएगा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, वरना मैं आपको 11 बजे तक इसकी एक PDF भेज भी दूंगा। जहां तक मैंने ये पढ़ाया है ना, मैं कुछ बच्चों की असरार था जो बहुत सारे आपने सेंटेंसेस लिखे हुए ना वो हमें चाहिए, तो मैं यहां तक की एक फाइल को दोबारा कंपाइल करके आपको भेज दूँ, ठीक है। चलिए अच्छा, अब पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब, आखिरी बात फिर छुट्टी आप लोगों की। एडवर्ब को सर कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जुमले के आखिर में, जुमले के शुरू में, या कहीं और भी? तो एडवर्ब की 3 लोकेशंस होती हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, जहां दिल चाहे इनको लगा दीजिए, सेंटेंस की मीनिंग्स पे कोई असर नहीं पड़ता। सर हसीब टीचेज अस एवरी डे, जुमले के आखिर में। एवरी डे सर हसीब टीचेज अस, जुमले के शुरू में। बस पंचुएशन का ख्याल, कैपिटलाइजेशन, कॉमा, वर्ब से पहले। सर हसीब एवरी डे टीचेज अस, समटाइम्स शी कॉल्स मी, शी कॉल्स मी समटाइम्स, शी समटाइम्स कॉल्स मी, जुमले के शुरू में, जुमले के आखिर में और वर्ब से पहले। ही यूजुअली प्लेस क्रिकेट, यूजुअली ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट यूजुअली।
वर्ब से पहले, सेंटेंस के शुरू में, जुमले के आखिर में। सर क्या हर एडवर्ब के साथ ऐसा कर सकते हैं? ऑलवेज और नेवर के साथ ऐसा करके तो दिखाओ। सुना है कभी तुमने ही नेवर बाय सेलफोन, ही बाय सेलफोन नेवर? मैंने ये सुना है, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, ये तो सुन। लेकिन ही नेवर बाय सेलफोन, कभी आपने सुना है ही बाय सेलफोन नेवर? नेवर की जगह को बदल दूं, नेवर ही बाय सेलफोन नहीं, ये अपनी जगह लिखा हुआ है, ऑलवेज अपनी जगह लिखा रहेगा। तो कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनकी जगह को नहीं बदलते, ठीक है? गॉट इट? तो एडवर्ब की प्लेसमेंट आप जुमले के आखिर में, जुमले के शुरू में, वर्ब से पहले बिल्कुल कर सकते हैं। सर अगली क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अगली क्लास में आप सब सिंटेक्स का ही, अभी तक राउंड चल रहा है, आप लोग पढ़ेंगे क्या ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है, क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है, क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, क्या एक सेंटेंस में दो वर्ब आ सकते हैं, क्या एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं तो वो दो ऑब्जेक्ट्स के नाम क्या है, और वो दो ऑब्जेक्ट्स आते क्यों हैं? अगर वो दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो बीच में टू और फॉर लगता है, तो टू क्यों लगता है और फॉर क्यों लगता है? हमें कैसे पता चलेगा कि टू कब आएगा, फॉर कब आएगा? और इन दो ऑब्जेक्ट्स के पीछे वजह कौन है कि दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं? तो फिर हमें पढ़ना पड़ेगा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को। अगली क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी बातें मैंने अगले सेशन में आपसे डिस्कस करनी है। और फिर आपका जो मेरे साथ अगले हफ्ते में ही जो हमारी गालिबन चौथी एपिसोड होगी आपके साथ, उसमें हम प्रोनाउन फैमिली पर डिस्कशन करेंगे। प्रोनाउन फैमिली के ऊपर डिस्कशन करते करते हम पहुंचेंगे फिर इन्फिनेटिव और जेरंड पे, और फिर आपकी दिल की धड़कन, आपका सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर वर्ब स्टार्ट होगा। और वर्ब के बगैर जिंदगी हमारी अधूरी है, वर्ब से ही। इस लेक्चर से याद रखना, जबान का जो ताला टूटेगा ना, वो इस लेक्चर से इंशाल्लाह टूटता है। लेकिन जब तक आपसे मैंने देखे, याद करें, मैं हमें आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, स्टार्ट लिसनिंग, 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 लिसनिंग इज द की टू स्पीकिंग। आपके पास ये हफ्ता है, दो दिन बचे हैं, आपके पास अगला हफ्ता है, आप लिसनिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि जिस दिन ये लेक्चर मैंने डिलीवर किया, आपकी जबान उस दिन बोलने वाली हो चुकी होगी। बस शर्त ये कि आप एक अच्छे लिसनर बन जाएं। जब आप सुना करें तो आप क्या करेंगे, आप अपने पास नोट टेकिंग किया करें, वोकैबुलरी नोट करें, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स नोट करें, इंटरेस्ट के साथ सुने, यानी एक्टिवली सुने। मैंने तो कहा है कि जब दिल चाहे सुने, खाना बना रही हो आप, आटा गूंद रही हो, चाय बना रही हो, लेकिन एक ऐसा टाइम भी हो जिस वक्त आपके बच्चे सो रहे हो और आप बिल्कुल एक्टिवली आप सुन रहे हो। मैंने आपको 1-to-1 डिस्कशन सेशंस भी दे दिए, सुबह में भी आपका स्टार्ट हो गया है, उसका भी फायदा उठाइए। सैटरडे को अपने रिटन नोट्स बनाइए, अपने कुछ वोकैबलरी के नोट्स बनाइए कि मैं ये 50 वोकैबलरीज अगले हफ्ते में मेमोराइज करूंगी। रोजाना 10 वर्ड्स, रोजाना 10 वर्ड्स, वो 50 वोकैबलरी आप एक्सट्रैक्ट कर लें। आपको एक वोकैबलरी की बुक भी मैंने फॉरवर्ड की है, दोबारा कर दूंगा। आज 11 बजे जितना मटेरियल आपको भेजा है, यहाँ तक भी आपको जो आज तक हमने डिस्कशन की है, वो मटेरियल भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है बेटा? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। ज्वाइन योर रेलिवेंट सेशन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। अस्सलाम वालेकुम।